फ्रेंड, अपनी शुरुआत अच्छे शुभ विचार के साथ करें। हमारा दिन तो अच्छा होता है और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। अगर कोई मौका दे उसे धोखा कभी मत देना। जो अगर धोखा दे उसे मौका कभी मत देना। हम सभी मेहनत करते हैं, उसे सफलता ज़रूर मिलती है। कभी वक्त लग जाता है, अच्छे वक्त को भी अच्छे वक्त का इंतज़ार रहता है। अगर हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो हमारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम अपनी कमजोरी को नहीं जान पाते। कमजोरी को समझना सबसे बड़ी सफलता की निशानी है। तो चलिए मैं अपना सुबह से दिनचर्या अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है 5 बजे मैं उठी थी, क्योंकि मैं उठती हूँ, डेली ही उठती हूँ, पर ब्लॉग नहीं बना पाती थी। ब्लॉग क्या होता है कि मेरा ट्राइपॉड तो है नहीं और बच्चे हैं, बच्चे इतने जल्दी नहीं उठते हैं। पर कल ये जल्दी सो गई थी तो ये उठ के बैठ गई, तो मैंने सोची कि आज वीडियो बना ही लेती हूँ सुबह। तो यहाँ पे पहले उठी, उसके बाद उठने के बाद पानी चलाया, पानी भरने के लिए, क्योंकि आता है सुबह 5 बजे 4 बजे आंटी चलाती हैं नीचे। तो पानी डिब्बा बाल्टी सारा भरा, 2-3 दिन के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं आता है, तो गर्मी है और आप लोगों को पता है पानी तो ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि प्यास लगती है, इतना पानी यूज होता है बहुत गर्मियों में। तो ये डिब्बा बड़े बड़े हैं जो भर लूँगी। उसके बाद ऐसे काम कर लिया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो ये वीडियो दिखाने लगी। तो फिर यहाँ का ये नज़ारा है, 6 बजे हैं और देखो कितना उजाला हो गया। 5:30 बजे भी उजाला हो जाता है। 5 बजे उठी थी, थोड़ा अंधेरा सा था। और उसके बाद झाड़ू लगाई, पोंछा लगाया, नहाया, कपड़े सिर्फ रख दिए थे सर्फ में डाल के, वो नहीं धुले थे। तो यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया, वीडियो फिर ये तैयार होने लगी। इसने भी नहाया, धोया, स्कूल जा रही तो ब्लॉग तो नहीं बना पाई फिर मैं, तो जल्दबाजी रहती है तो सुबह इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू उबाल रखे थे, मसाला रखा था तो मैंने वही फ्राई किए आलू, तो आलू रख दूँगी। और करेला थे तो थोड़े, क्योंकि करेला 2 दिन हो गए फ्रिज में रखे हुए। मेरे हस्बैंड कह रहे कब ख़त्म होंगे ये, तो मैं बोली आज बस लास्ट है, आज ले जाना है तो बताओ, नहीं तो मैं कोई नहीं रख दूँगी फ्रिज में। तो बोले रख दो थोड़ा, तो बड़ा था तो आधा रख दिया, इसे दे रही थी इसने मना कर दिया, इसे सब्जी थोड़ी रखी थी। खाना बना लिया, इसके लिए एक पराठा रख दिया, एक ही ले जाएगी, ये नहीं खाती पता नहीं, तभी तो ये पतली दुबली है। इधर रख दी चाय बनने के लिए। और ऐसे सुबह से सारा काम, सुबह अगर उठ जाओ तो आधा काम तो मेरा सुबह हो जाता है। और इधर खाना ना बनाया, उसके बाद ही चाय बना ली। बजे हैं 7, हो गया खाना बना दिया इन लोगों के लिए, टिफिन भी लगा दिया। और इधर बन गई देखो चाय, देखो छान भी ली, और वो कर रहे पूजा अभी, उसके बाद फिर चाय पियेंगे और खाएंगे, तो एक आध रोटी खा लेंगे। और इधर दूध भी गर्म हो गया है देखो, ये है। तो आज सुबह से मैंने किया कि मैं सुबह से क्या क्या करती हूँ। चाय ढक दी है, ढक दे, चलो मैं पी लूँ चाय पी लूँ, फिर उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बने रहना पूरा दिन का, सुबह से 5 बजे से रात के 9 बजे तक का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करूँ आप लोगों को पसंद आएगा। पहले पी लूँ चाय, फिर मिलूँगी आप लोगों से। जा रहे स्कूल है, निकल गए ड्यूटी के लिए जा रहे, मेरा काम भी हो गया अभी। फिर ये स्कूल से आई, वीडियो की एडिटिंग एडिट करूँगी वीडियो, और कपड़ा पड़े वो धुलूँगी, उसके बाद फिर कपड़े वपड़े साफ करूँगी, फिर अपने लिए खाना बनाऊँगी। फिर ये भी आ जाएगी, अब तो जल्दी आ जाती स्कूल से, 11:30 बजे तक आ जाती है, पहले ये आ जाएगी। फिर कुछ बनाऊंगी खाना, अभी कुछ अपने लिए बना लूँगी, पराठे या रोटी जो भी होगा। बाय बाय। ये भी निकल गए, बड़ा काम। और सुबह
पाँच बजे उठी, जल्दी जल्दी हो गया सारा सारा पानी भर गया। कभी कभार आता कभी कभार नहीं आता तो दिक्कत हो जाती। अब दो तीन दिन के लिए फुर्सत हो गए। ये बाल्टी भी, बड़े बड़े डिब्बा भी, बोतल जितनी थी सारी भर दी, ठंडी भी हो गई, सारा हो गया। और सारा काम सुबह ही हो गया था। उसके बाद फिर ये लोग चले गए, फिर मैंने 10 बजे पे, अभी तो 11:30 हो गए, फिर 10 बजे पे कपड़ा पड़ा तो धुल लिए थे, अभी नींद डाले, 10 बजे पे पूरा सारा काम हो गया था मेरा। उसके बाद फिर अभी मैंने क्या किया, रोटी बनाई और यहाँ पे आलू की सब्जी और करेले और ये जो ब्लैक फ्लैक्स है ये भी है, चिकन है, उसका करेला भी इतना ही बचा, ये बहुत टेस्टी था। और ये रोटी रख ली, अब मैं खाना खा लूँ, उसके बाद फिर जो भी होगा आप लोगों में थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, पूरा सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का। तो आप लोग ज़रूर देखना और बने रहना। अब मैं कर लूँ, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मेरी बेटी भी आ जाएगी, तो उसके लिए देखूँगी पराठे बोलेगी तो सेक दूँगी, रोटी तो मुश्किल है वो खाएगी, चावल भी खाएगी तो चावल बना दूँगी। तो चलिए खाना खा। तो दोस्तों एक मुझे बात याद आ रही, दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा जो सबको काट डालता है, लोहे से ताकतवर है आग जो लोहे को पिघला देती है, आग से भी ताकतवर चीज़ है पानी जो आग को बुझा देता है, और पानी से ताकतवर इंसान है जो उसे पी जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंसान जो मन सोचे, जो मन में ठाने, वो ज़रूर करता है पूरा। कामयाबी अगर उसे मिलनी है तो मेहनत करेगा, हार नहीं मानेगा इंसान, तो ज़रूर कामयाबी मिलती है। बहुत से लोग हैं जो हताश होकर बैठ जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं तब भी सफलता नहीं मिलती, पर हताश नहीं होते, एक ना एक दिन वो कामयाब ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, कपड़े अपड़े डाले, उसके बाद इसे खाना दिया, खाना इसने खाया, मैं तो खा लिया था मैंने तो, और उसके बाद फिर खाना ना दिया, फिर मैं बैठ गई थी, थोड़ा नाखून नाखून काटे, उसके बाद थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद शाम का टाइम उठी, ऐसे ही 3:30-4:15 का टाइम था, क्योंकि मुझे अपलोड करना होता है, वीडियो पब्लिक करना होता है, कभी कभार सो भी जाती हूँ तो लेट हो जाता है। तो फिर वो 3:45 का मैं अलार्म लगा दी थी, तो 15 मिनट के बाद फिर पब्लिक करा वीडियो, उसके बाद फिर कपड़े अपने उठाए, वो तय किए, झाड़ू लगाई, चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद थोड़ा बैठी, फिर यहाँ पे तौरी औरी लेके बैठ गई थी, तौरी औरी काटी, उसके बाद मैं आ गई थी। तौरी सोच रही थी, पतली पतली आई थी बेचने यहाँ गली में रेडी वाले, तो वहीं से ले ली थी, अच्छी थी, ताज़ी ताज़ी थी, तो फ्रिज में रखी थी, मैंने सोच लिया इसी को बना लूँ। तो ये 1/2 किलो ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि हमें 3 है और कम अच्छी लगती है थोड़ी, लड़की मेरी नहीं खाती है, तो मैं बोली अच्छी बनाऊँगी तो खा लेना, बोली ठीक है। तो मैंने पहले तो सोच रही थी भर के बनाऊँ, भर के मसाला पूरा मैंने कर लिया था, पर भर के क्या उसमें फिर वो पतली इतनी थी, उसमें मसाला नहीं भर पाती, तो इस वजह से मैंने क्या किया, 2 से 4 खपा कर दिए, जैसे 4 कतरी इधर उधर कर दी, भरी नहीं, अंदर नहीं गया मसाला, लंबी लंबी पतली पतली काट दी थी, और ये मसाला पीस लिया, और भर के जैसे जो सौंफ जीरा और मसाले थे, प्याज लहसुन सब कुछ डाला था इसमें, और पीस लिया था यहाँ पे बैठ के थोड़ा। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी थी, गरम हो गया था तेल, तो ये शाम का है, ये शाम का क्या 7:30 से शुरू किया था सब्जी वब्जी काटना 7 बजे से, उसके बाद थोड़ा टीवी भी देखी, फिर उसके बाद आ गई थी किचन में, और तेल थोड़ा कम सा लग रहा था मुझे, थोड़ा और डाल दिया मैंने, 1/2 किलो है, वह तो पटक के थोड़ी रह जाएंगी, ये तौरी की सब्जी तो हम तीनों खा लेंगे। तो यहाँ पे तेल हो गया था, इसमें जो पीसा था मसाला ये डाल दूँगी, और बहुत अच्छी बनी थी। और उसके बाद ये बन जाएगी तुरंत, क्योंकि इसमें पानी की तो ज़रूरत होती नहीं है, और रोज़ के जो डेली के मसाले हैं ये डाल दूँगी। तो आज सुबह से मैंने 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मसाला हो गया था, तो इसमें डाल दूँगी ये तौरी, और अच्छे से चला दूँगी, और नमक डाल के रख दूँगी, तो इसमें पानी अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि हरी चीज़ है और हरी फायदा भी करती है, हरी तौरी है, घिया है,
तो जितना खाओ, लेकिन यही है कि बच्चे क्या, हमें खुद नहीं अच्छी लगती है, मैं बताऊँ सच। लेकिन हाँ अच्छी बनी थी, अच्छे से मसाला वसाला डाल के बनाई थी, ऐसी नहीं बनाई थी, तो अच्छी लगी थी, खा लिया था। बच्चों को तो पसंद कम आती है। और यहाँ पे थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दूँगी और ढक के रख दूँगी, रोटी बना लूँगी फटाफट से। और यहाँ पे मैंने सलाद काटने, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर मैंने वो हाँ साँ धुलने लगे, जब तक सलाद काट लूँगी और फिर खाना खाऊँगी। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो। कोशिश तो रखी कि छोटे से छोटा रखूं, लेकिन सुबह से रात तो क्या होता है, फिर इतना बड़ा तो हो ही जाता है, कितना भी कोशिश करो फिर भी। तो यहाँ पे थाली लगा लूँगी और सलाद काट लूँगी, ये सलाद काट के रख लिया है। रायता की सोच रही थी पर रायता नहीं बनाया, मैं बोली कल बनाऊँगी रायता, रात में नहीं खाऊँगी, क्योंकि इसे जुकाम ये मानेगी नहीं, फिर इसे और तेज़ होगा। तो अब यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी, उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट।